आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर TRS का रियासत भर में एहतजाज। वज़ीरे आज़म हिंद के अलामती पुतले नजर आतिश, इजाफा शुदा कीमतें वापस लेने का किया गया मुतालबा। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव का दौरे अमरीका जारी, कई बैरूनी कंपनियों से सरमायाकारी के सिलसिले में यादाश्त मफाहमत। बालापुर हदूद में हुए रोडी शीटर के कत्ल में मुलविस 8 मुलजमीन गिरफ्तार, अराजी मामलात आपसी मुखासिमत कत्ल की वजह, DCP LB नगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। TRS खायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज और धरने मुनज़िम किए गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी थी कि इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाए। रियासी वज़रा महमूद अली श्रीनिवास यादव की क़यादत में बेगमपेट चीफ राशनिंग ऑफिस के करीब पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना मुनज़िम किया गया। इसी तर्ज पर TRS कानून साज काउंसिल की कविता की क़यादत में सैकड़ों ख़वातीन ने गैस सिलेंडर लेकर एहतजाज में हिस्सा लिया। रियासती वजीर IT KT रामाराव का दौरा अमेरिका जारी है। KT रामाराव ने अमेरिकी कंपनियों के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत भी दी। KT रामाराव ने कई कंपनियों के सरकर्दा अहदेदारों से मुलाकात के दौरान याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत भी किए। उन्होंने मकामी कंपनियों की जानिब से मुनक़िद करदा बिजनेस इजलास से खिताब भी किया और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी तफसीलात बताई। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ TRS पार्टी की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। कई सरकर्दा TRS कायदीन ने इन एहतजाज में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में कमी की जाए। नज़रगामी इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। TRS रुकन खान साज कौंसल के कविता ने TRS के धरने से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीब अफराद की सब्सिडी की रकम जो पकवान गैस सिलेंडर पर फरहम की जाती थी वो अंबानी और विजय माल्या को फरहम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में गैस सिलेंडर 400 से 500 रुपये में था, तहम अब इस सिलेंडर की कीमत को 1000 रुपये करते हुए BJP मुल्क और तेलंगाना की आवाम पर माली बोझ आयद कर रही है। దాని వల్ల మళ్ళా ఒకసారి మనందరం రోడ్ ఎక్కాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అది రైతుల విషయం కావచ్చు, గిరిజనుల విషయం కావచ్చు, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగేటటువంటి విషయం కావచ్చు, ఏదైతేనేమి ఇవాల మళ్ళా మొత్తం తెలంగాణను తీసుకొచ్చి రోడ్ మీద ఊసవేటినటువంటి ఘనత బీజేపీ ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతదని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనం ఆనాడు అనుకున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నప్పుడు అందరం బాగుండాలి, అన్ని వర్గాలు బాగుండాలి అని మనం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. ఇవాల రైతులకు ఇప్పటికే దాదాపు 50,000 కోట్ల రూపాయలు మనం ఇచ్చున్నాం, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాల మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అద్భుతంగా పంటలు పండినాయి, ఆ ఒక్క పంటను కూడా వడ్లను కూడా కొనేటటువంటి పరిస్థితి లేదు.
అందుకని వాళ్ళ ప్రతి గ్రామంలో కూడా రైతుల ఆందోళనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. రైతులు డబ్బులు వడ్లు కానీ డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే బీజేపీ నాయకులు, అది రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు కేంద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, అనేకమైనటువంటి रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट पर मुनक़िदा धरने से ख़िताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि जब से मरकज़ में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इख्तदार पर फायज़ हुए हैं तब से गैस सिलेंडर की कीमत दुगनी से भी ज़ायद हो गई। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहां पर तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है और नौजवानों को मुलाजिमतें भी फराहम की जा रही हैं। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि वज़ीर आज़म का नारा देश को बचाओ की बजाय देश को बेचो हो गया है। हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारी गिरानी की आवाज उठा रहे हैं, ये गिरानी कम करो हमारी डिमांड है, गिरानी कम करो ये हमारी डिमांड है। हर चीज महंगी होती जा रही है, पेट्रोल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो, गैस का रेट कम करो, यही हमारा हुकूमत से डिमांड है। इसलिए आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। काफी तादाद में हमारी बहने हमारे भाई इस गिरानी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र प्रभुत्वानी ఒకటి వేళ్లతోని పెగిలించి ఈ దేశం నుంచి తరిమి కొట్టే వరకు వీళ్లకు బుద్ధి రాదు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి 8 సంవత్సరాలలో మీతో పాటు మేము కూడా ఒక రాష్ట్రానికి ప్రభుత్వాన్ని ఉన్నాం, కానీ మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు మీ దరిద్రమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఎందుకు చేస్తలేదు చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు పేద వర్గాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు 2000 రూపాయల పెన్షన్ మన ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా ఇస్తుందో చెప్పగలుగుతావా? 24 గంటల కరెంట్ మనం ఇస్తున్నాం, మీరెక్కడన్నా ఇస్తుందో చెప్పగలుగుతారా? కానీ ఏది లేదు. కానీ ఇష్టం ఉన్నట్టు అక్కడ రాజ్యాలను ఏలడం, మరి అదేవిధంగా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలతోనే దాడులు చేపేయడం, మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఈడీ కానీ అన్నీ మరి ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకోవడం అనేది ఈ రోజు మనం చూస్తున్నటువంటిది. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से बरखी शरहों में इजाफे के फैसले की सख्त मजम्मत की और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने बरखी शरहों में इजाफा करते हुए गरीब तबके से लेकर मुतवसित तबके पर माली बोझ आयद किया है, जबकि मोदी हुकूमत मुसलसिल गैस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए मुल्क और रियासत के आवाम पर माली बोझ आयद कर रही है। रेवंत रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को चोरों की हुकूमत करार दिया। सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस कमेटी सुनीता राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से बरखी शरहों में इजाफा और मरकजी हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर के अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस की जानिब से रैली मुनज़िम करते हुए धरना दिया जाएगा। उन्होंने टीआरएस की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरने मुनज़िम करने को मुज़हका खैज़ करार देते हुए कहा कि एक तरफ रियासती हुकूमत बरखी शरहों में इजाफा कर रही है तो दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत के खिलाफ धरने मुनज़िम किए जा रहे हैं। मन सामान्यानिकि अंदुबाटुलो लेने परिस्थितुलो उन्नायि काबट्टि महिला कांग्रेस आध्वर्यंलो पेद्द धर्ना चेवडतां, మా పైన ఎన్ని కేసులు పెట్టినా పర్వాలేదు, ప్రజల కోసం బ్రతుకుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రజల కోసం పెద్దపీట వేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. సో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, దయచేసి చూడండి, మేమున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ రియాలిటీ, మొన్న మేంగాయ హటావో ర్యాలీ కూడా వేశాం, మీరు చూశారు చాలా పెద్ద ఎత్తున చేశాం, ధరలు చూడండి 50% పైన పెరిగిపోయినాయి. ఈరోజు నిజంగా పేద ప్రజలు బ్రతికే విధంగా ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఓటుతో ఈసారి వాళ్ళందరికీ కూడా బుద్ధి చెప్పాలని కోరుతున్నాను. బీజేపీ చాలా కలలు కంటుంది, 90 సీట్లు వస్తాయి, 100 సీట్లు వస్తాయి, గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తామని చెప్పేసాను. నిజంగా
साबिक बीजेपी रुकन खान सास कौंसल रामचंद्र राव ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पुलिस की जानिब से बीजेपी कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बताया कि बोधन भैंसा और सिलसिला के वाकयात में टीआरएस कारकुनों ने बीजेपी कारकुनों पर हमले किए, बावजूद इसके बीजेपी कारकुनों को ही हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज किए गए और हद तो ये है कि सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय को भी हिरासत में लेते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये नेपथ्य भारतीय जनता पार्टी अणचिवेसे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मीद भारतीय जनता पार्टी नायक तपड़ केस वाली जैल को पंपाले पंपस्ता కార్యకర్తల్ని కాదు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలపైన కూడా ఇటు పోలీసుల ద్వారా ఇటు టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తల ద్వారా కూడా దాడి చేస్తూ ఉన్నారు। నల్గొండలో హుజూర్ నగర్లో జరిగినటువంటి సంఘటన అదే విధంగా దాంట్లో వందలాది మంది కార్యకర్తల మీద కేసు పెట్టి వాళ్ళని దాదాపు 2 నెలలు జైల్లో ఉంచడం జరిగింది। పైసాలాటి పట్టణంలో అమాయకులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్ని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది। బండి సంజయ్ గారి మీద పోలీసులు దాడి చేసి కార్యాలయాన్ని గ్యాస్ వెల్డర్తోని కొట్టి నరికి వాని ఎత్తుకొని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది। మా మాజీ ఎమ్మెల్యే బొడుగు శోభ మీద కూడా కేసు పెట్టడం జరిగింది। జితేందర్ రెడ్డి గారి మీద అరుణ గారి మీద తప్పుడు కేసు పెట్టి ప్రయత్నం చేశారు। శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని ఎవరో చంపుతారని చెప్పి ఆయన ఎవరు చంపుతారో నాకే తెలియదు। ఈ రకమైనటువంటి దీంట్లో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద నేతల మీద కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ యొక్క ప్రభుత్వం। నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన సిరిసిల్లలో మా కార్యకర్తలు సిరిసిల్ల పోలీస్ స్టేషన్లో టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపైన కంప్లైంట్ చేయడానికి వారిపైన అక్కడ ఉంటే ఫిర్యాదు చేయడానికి దాదాపు 100 పైగా ఉన్నటువంటి యొక్క టిఆర్ఎస్ నాయకులు తాగిన మైకంలో పోలీస్ స్టేషన్ మీద అటాక్ చేశారు। పోలీస్ మీద దాడి मल्काजगिरी में टीआरएस की तरफ से सड़क पर बैठकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाजियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजरियातिश किया। हल्के राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने कॉरपोरेटर सुलेमान नगर नवाजुद्दीन अहमद के हमरा वीराकुंटा चिंतलमेट और सुलेमान नगर का दौरा किया। इस मौके पर मुखावी मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने बताया कि मुकामी आवाम की तरफ से आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई थी। इसके अलावा सड़कों पर पानी के बहने की भी निशानदेही की गई थी। उन्होंने बताया कि कल से इन कामों का आगाज़ हो जाएगा, जबकि राजेंद्र नगर में आवाम के मसाइल की यकसोई के लिए मजलिस शब व रोज़ मसरूफ़ है। अहदेदारों को सदर मजलिस की हिदायत से भी वाकिफ करवाया गया। मदरसे जामत उलमुमिनात वाक़ मुगलपुरे की जानिब से 30वां सालाना जलसे तकसीम असनाद व अताए क़िल्लत व दस्तारबंदी 27 मार्च बरोज़ इतवार उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद किया जाएगा। मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मुफ्ती मौलाना साबिर पाशा क़ादरी ने बताया कि इस जलसे में मेहमानान व ख़ुसूसी की हैसियत से वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली और क़ायद मुख़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। मुफ्ती मौलाना साबिर पाशा ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मज़ीद बताया कि जामतुल मोमिनात मदरसे का क़याम
1991 में अमल में आया था और उस वक्त सिर्फ 5 तालिबात से शुरू किए गए इस मदरसे को डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान कादरी की काविशों और दीनी तालीमी जज्बे के तहत तरक्की मिलती गई और आज जामतुल मोमिनात मदरसे में 2500 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। जलसे की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम माशरे और समाज के सुलगते मसाइल पर उलमा इकराम और मुखर्रीन खिताब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत इस्लामिया की दीनी व असरी उलूम की सिलसिले में आज से तकरीबन 30 साल कबल 1991 में अल्लाह की ज़ात पर उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान और उनके सदक़े व तुफ़ैल हज़रत बानी जामिया शेख़ुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आरिफ बिल्लाह इमाम अहल सुन्नत अल इमाम अल हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के पौधे से हासिल करदा इल्म मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली कादरी साहब ने अल्लाह की ज़ात पर जामियतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद का क़ियाम अमल में लाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप हजरात की खुसूसी दुआएं और खुसूसी तवज्जो की वजह से रोज़ बरोज़ इस जामिया में हर एतबार से तालीमी शोबा है, चाहे दीनी तालीम हो चाहे असरी तालीम हो और तरबियती शोबा और तहकीकी शोबा और शोबे दीनियात और शोबे अरबी, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की बतरक्की हो रहा है। मार्च बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर सालाना तरबियती इज्तिमा मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब, जो हमारी रियासत के वज़ीर दाखिला है, तशरीफ़ लाएंगे और फारिगीन को दुआएं देंगे और बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा हबीब मिल्लत मुहतरमुल मुकाम अली जनाब मोहम्मद अकबरुद्दीन अवेसी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे और उनका भी खिताब होगा। और जो यहाँ सत्ताईस मार्च बरोज़ इतवार को माउंट हीरा हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। रेतीबाली मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 45 के रूबरू इस मुफ्त हेल्थ कैंप में खसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चों की तशखीस की जाएगी। हॉस्पिटल की जिम्मेदार डॉक्टर अनिखा हुसैन ने बताया कि इतवार 27 मार्च को मुनक़िद इस मुफ्त हेल्थ कैंप में ख़वातीन के तमाम अमराज के इलाज के लिए माहिर खातून डॉक्टर्स मुआयना करेंगी, जबकि इस हेल्थ कैंप में बीपी शुगर के अलावा दीगर मुआयने मुफ्त किए जाएंगे। 27 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़िद इस मुफ्त हेल्थ कैंप की मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8977611728 पर राबता किया जा सकता है। ये कैंप में इंशाल्लाह पूरे स्पेशलिटीज़ के कंसल्टेशन आप लोगों को फ्री रहेंगे, अलॉन्ग विद फ्री बीपी, वेट, हाइट एंड GRBS चेकअप। इसके साथ साथ आपको 50% ऑफ रहेगा लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पे एंड डायग्नोस्टिक पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग खतना भी काफ़ी कम रेट में कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट 1000 रुपीज़, फॉर विच मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पहले से अपॉइंटमेंट्स बुक कर लीजिए। एंड ये जो कैंप रहेगा इंशाल्लाह दैट विल बी फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, 2 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा। एंड ये तमाम आवाम के लिए है, जो भी लेडीज़ एंड फीमेल्स एंड बच्चे कहीं पे भी रह रहे हैं, हमारे पास पूरे स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं एंड पूरे लेडी डॉक्टर भी हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रीट करेंगे। सो वी हैव गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन्स है, ऑर्थोपेडिशंस है, ENT सर्जन है, जनरल सर्जन्स है, डायबिटोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, जैसा मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो ऑल अंडर वन रूफ इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे जितना अपना मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचा सकें उतना पहुँचा सकें।
ठीक है। ये कैंप ख्वातीन के तमाम अमराज के बोले ये कैंप मल्टी स्पेशलिटी कैंप है ताकि हम पूरे जो भी एलिमेंट्स हैं ख्वातीन के ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम लोग उसको अंडर वन रूफ इंशाल्लाह ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। जैसा मैं एनुमरेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वी हैव सर्जन है, फिजिशियंस है, गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशन है, ENT सर्जन्स है। इंशाल्लाह हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स है लेडीज़ के अलग अलग बीमारियाँ हैं इंशाल्लाह उसको हम लोग अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने मेंशन किया है फ्री कंसल्टेशन रहेगा, अलॉन्ग विद दैट फ्री BP रहेगा, आपको शुगर टेस्ट फ्री रहेगा अलॉन्ग विद हाइट वेट एंड उसके साथ साथ आपको 50% ऑफ रहेगा पूरे डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, इन्वेस्टिगेशन पे एंड डायग्नोस्टिक पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने गोलकुंडा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस दो मुलजमीन को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 25 साल सैयद आसिफ जिब्रान और 24 साल पी तरुण को हिरासत में लिया गया जबकि 4 गाहकों को भी इस मौके पर दबोचा गया। मुलजमीन के कब्ज़े से 27,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। महकमे पुलिस में भर्ती की गरज से मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स की जानिब से नौजवानों को तरबियत फरहम की जा रही है। इस सिलसिले के तहत साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से फरहम की जाने वाली तरबियत का कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने इफ्तिताह अंजाम दिया। शमसाबाद में वाक़ फंक्शन हॉल में इस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नरेट्स वाबस्ता DCPs ACPs और इंस्पेक्टर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। విడుదల చేసిన ఏదైతే ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ని పురస్కరించుకొని ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ కోచింగ్కి మీ అందరూ ఇట్లా హాజరైనందుకు మీ అందరికీ మొట్టమొదటిగా అందరికీ అభినందిస్తున్నాను అండ్ అడ్వాన్స్గా కూడా మీరు ముందు సెలెక్ట్ అయినందుకు అడుగుతున్నాను కూడా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తా ఉన్నాను. ఆల్వేజ్ నేను ఇప్పటికే మీ అందరిలోకి కొంచెం ఆ పోలీస్ కళ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. రానున్న రోజుల్లో మీరు ఏదైతే ఈ వైట్ టీషర్ట్ ఉన్నదో ఆ వైట్ టీషర్ట్ ప్లేస్ లో ఈ కాపీ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలని మరి ఈ కోచింగ్ ఐడి కార్డ్ ప్లేస్ లో పోలీస్ ఐడి కార్డ్ ఉండాలని నేను మనసారా మరి మొట్టమొదటిగా మన శంషాబాద్ DCP గారు మరి వాళ్ళ టీం మరి RGI ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ అండ్ ఆల్ SIs అండ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ శంషాబాద్ జోన్ ని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ మనకి మేము చూస్తే జియో నిన్నే రిలీజ్ అయింది. నోటిఫికేషన్ రాకముందు మీరు ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ కన్వీన్ చేసి కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు నేను శంషాబాద్ DCP గారిని మరి వాళ్ళ టీం అందరిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ పోలీస్ అండ్ ద పేరెంట్స్ హూ ఆర్ ఆల్ హియర్, ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పరచుకోవడం గర్వకారణం. దానికి మీరందరూ రావడం ఇక్కడ అసెంబుల్ కావడానికి ప్రధాన కర్త కర్మ క్రియ. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کے تحت ریاست بھر میں TRS قائدین اور کارکنوں کی جانب سے احتجاج درج کروایا گیا. پٹنچیرو میں TRS قائد جی مہی پال ریڈی کی قیادت میں احتجاج کیا گیا جبکہ راستہ روکو احتجاج نیشنل ہائی وے پر کیا گیا. TRS کارکنوں نے وزیراعظم مودی کے خلاف بھی نعرے بازی کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی قیمتوں میں فوری کمی کرنے کا مطالبہ بھی کیا. دیلو 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 دیلو
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर टीआरएस का रियासत भर में एहतजाज। वज़ीर आज़म हिंद के अलामती पुतले नजर आतिश, इजाफा शुदा कीमतें वापस लेने का किया गया मुतालबा। रियासती वज़ीर आईटी केटी रामाराव का दौरे अमरीका जारी, कई बैरूनी कंपनियों से सरमायाकारी के सिलसिले में यादाश्त मुफाहमत। बालापुर हदूद में हुए रोड शटर के कत्ल में मुलविस 8 मुलजमीन गिरफ्तार, अराजी मामलात आपसी मुखासिमत कत्ल की वजह, DCP एलबी नगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।